अगर आप फुल बॉडी के फैट को रिड्यूस करना चाहते हैं, सब कुछ ट्राई करके थक चुके हैं, तो डेफिनेटली इस वीडियो को सेव कर लीजिए और जमकर शेयर कर दीजिए। अल्टीमेट एक्सरसाइज बताने वाली हूँ, एज इट इज आपको इस एक्सरसाइज को फॉलो करना है। इसमें जितने राउंड्स करने हैं सब कुछ है, इसमें टोटली आप एज इट इज फॉलो करें। रोजाना खाना खा रखा है तो 2 घंटे बाद करें, अगर खाली पेट है तो कभी भी कर सकते हैं। सी सेक्शन हो चुका है, 3 to 4 months हो गए, आपकी बॉडी कंफर्टेबल है, तो भी आप इन वर्कआउट को अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। देखिए, फिजिकल एक्टिविटी मस्ट है, अगर आप जितना एक्टिव रहेंगे तो बुढ़ापे तक आप उतने ही जवान रहेंगे अंदर से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वर्कआउट। एक्सरसाइज में आपने सीधे खड़े हो जाना है, अपने हैंड्स को यहाँ पर प्लेस करना है, देन उसके बाद में आपने इस तरीके से अपनी लेग को साइड पे लेके जाना है, देन उसके बाद टच करना है नी को, ठीक है? 20 टाइम्स ईच लेग, 2 sets। Done. इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ। बारी आती नेक्स्ट एक्सरसाइज की। अब इसमें क्या करना है, आपने अपने हैंड्स को अप लेके जाना है, देन डाउन, इस तरीके से लेग को अप, और पूरा हम बैक पे स्ट्रेच देंगे, ठीक है? फुल बॉडी वर्कआउट है तो हमें हर बॉडी पार्ट को कवर जरूर करना है। मैं बैक साइड से दिखाती हूँ आपको, लाइक दिस। पूरा फोर्स के साथ हम अपने हैंड्स को डाउन साइड लेकर जाएंगे, पूरी फोर्स के साथ, ठीक है? जैसे कि आपका पूरा यहाँ पे इम्पैक्ट फील हो। 20 times और इसके हम करेंगे 3 rounds। Relax। तो यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अब बारी आती नेक्स्ट एक्सरसाइज की, ठीक है? बिल्कुल स्लो मोशन में हम इसको करेंगे, लंजेस को। मेक श्योर आपका नी आपके टो के आगे नहीं जाएगा। इसको हम करेंगे 20 times और उसके करेंगे हम 3 rounds। यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें इस तरीके से लेग्स को ओपन कर लेना है, स्लाइटली सा वाइड करना है पैरों को, प्रॉपर ओपन भी कर सकते हैं, नॉर्मल वाइड भी कर सकते हैं। अब हमें इस पोजिशन में आ जाना है, सुमो स्क्वाट्स में, देन अप। जब हम डाउन जा रहे हैं तो हम 5 to 10 seconds होल्ड करेंगे, ठीक है? हर मूवमेंट पे, चाहे आप 10 times करें, मैंने आपको टारगेट दिया है 20 times का और आपको दिए 3 rounds। लेकिन अगर आप बिगनर हैं और अगर आपसे 20 times नहीं हो रहा, भूल जाइए, 10 times करें, लेकिन करेक्ट पोजीशन के साथ करें और करेक्ट फॉर्म में करें, और जिस हिसाब से मैं आपको जो जो चीज़ें बता रही हूँ एज इट इज़ फॉलो करें। क्योंकि मेन हमें क्या चाहिए, अपनी मसल पर पूरा लोड चाहिए, इम्पैक्ट आना चाहिए, ठीक है? कम कर लीजिए लेकिन अच्छे से करिए। Thank you.
30 सेकंड्स का रेस्ट और इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने इस तरीके से अपने पैरों को फोल्ड करना है, अपने हैंड्स को बैक साइड पे प्लेस करना है, ठीक है, और उसके बाद में इस तरीके से अप जाना है, होल्ड करना है पोजिशन, पेट को बिल्कुल स्क्वीज करना है, अंदर की तरफ खींच के रखना है, 10-20 सेकंड होल्ड, देन स्लो मोशन में डाउन, अगेन होल्ड। ये स्क्वीजिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा अच्छा है जो आपके कोर की सैगनेस को दूर करता है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। कंप्लीट होते हैं। अब इसी के साथ हम लेट जाएंगे मैट पर, इस तरीके से बिल्कुल आराम से लेट जाइए, और अब हमने टोज को टच करना है, हम अपने पैरों को थोड़ा सा आगे रखेंगे, नॉर्मली हम ऐसे लेट जाते हैं, ठीक है, अपने थाई के पास करके नहीं, आपने हिप के पास करके लेटते हैं, तो आपने थोड़ा सा आगे करना है। अब आगे क्यों करना समझ में आ जाएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में, आपने अपने टोज को टच करना है। Thank you.
गाइज आई होप ये वाला वीडियो आपके लिए बेहद यूजफुल रहा होगा। तो ऐसी कुछ नया वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज पर है तो फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन आई ईशा मेहरा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। गुड लक।